नेहमतें दौलतें बरकतें इशरतें जिंदगी के लिए लाख सामान थे, आँच ना आने पाए कोई जान पर, एक जाके हजारों निगहबान थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज सारा विश्व जिस कोरोना महामारी से त्रस्त है और हर व्यक्ति इसका दोषारोपण किसी और के सिर पर डाल के चंद लम्हों के लिए सुकून महसूस कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दुनिया के हर व्यक्ति ने प्रकृति से खिलवाड़ किया है और ये खिलवाड़ हमें महंगा पड़ा है। आज हमें अपने अंतर मन की आंखों से देखने की जरूरत है। हम हर व्यक्ति किसी ना किसी रूप से इसके लिए इसका कारण है, तो हमें आज अंतर मन की आंखें खोलकर सुचेत होकर जहां इस महामारी से लड़ना है, इसको हराना है, वहीं अपने आप को संवारने का प्रयत्न करना है। एक छोटी सी कविता इस संदर्भ में मैंने लिखी, वो आज आपसे साझा करना चाहूंगी। शीर्षक दिया है मैंने, अंतर मन की आंखें खोलो। दुखी लाचार आज हर शख्स है, मौत का तांडव है सांस सांस पर, जी रहा है हर इंसान केवल कल की आस पर, लेकिन कल तो तब आएगा आज को अगर संभालोगे, लेकिन कल तो तब आएगा आज को अगर संभालोगे, आज किया अगर नियमों का उल्लंघन तो खुद तो मरोगे, कितनों को मौत के मुंह में डालोगे। सचमुच खुदा खफा है हमसे, सचमुच खुदा खफा है हमसे, कुदरत भी परेशान है, सचमुच खुदा खफा है हमसे, प्रशासन भी नाराज है, प्रकृति का कण कण दुखी है हमसे, कैसे हम इंसान है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और जो ये हैं गिरजाघर, प्रवेश द्वार सब बंद हमारे, कितने पापी हो गए हम। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और जो ये हैं गिरजाघर, प्रवेश द्वार सब बंद हमारे, कितने पापी हो गए हम। खुदगर्जी लालच बदनियति हो गए हम पर भारी हैं, खुदगर्जी लालच बदनियति हो गए हम पर भारी हैं, विकारों के बोझ के नीचे दबी आज मानवता सारी है। अनगिनत पेड़ों को काटा, जीव जंतुओं को किया बेघर, अमन चैन सबका छीन कर चाहते थे जो आजादी, आज प्रकृति की ऐसी मार पड़ी, अपने घरों में हो गए हम कैदी। चींटी से छोटे वायरस ने सारी दुनिया में हड़कंप मचाया, चींटी से छोटे वायरस ने सारी दुनिया में हड़कंप मचाया, ईश्वर ने मानो हमें हमारी औकात का आईना दिखाया, ईश्वर ने मानो हमें हमारी औकात का आईना दिखाया। किसी को अब दोष न देना, किसी को अब दोष न दो, अपने गिरे बान टटोलो, गुनाहों से तोबा कर लो, अंतर मन की आंखें खोलो, गुनाहों से तोबा कर लो, अंतर मन की आंखें खोलो। धन्यवाद।